देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। लातूर में पौधारोपण के साथ सत्कर्मों की दी गई प्रेरणा। लातूर में JSPM संचालित स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से वृक्षारोपण किया गया तथा विद्यार्थियों को मूल्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुण्या, आयुक्त अमन मित्तल, शिवाजी नगर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला की संचालिका बीके प्रयाग समेत कई विशिष्ट लोगों ने पौधारोपण के साथ सत्कर्मों की प्रेरणा दी। मी या पृथ्वी तलावर कशासाठी आलो हे जाणण्याची भावना झाली। हे जेव्हा कळत नसते फार काही मोठा चक्कर आपल्या मेंटल स्पेस मध्ये असतो, तो काढण्याचा कार्यक्रम जे करतात म्हणजे प्रजापिता संबंध आहे। जे मी सर्व डॉक्टर गुजारिश करतो की दोन चीजे खास विषय मेडिटेशन और फिक्स्ड ये दो चीजें आपको इस शहर में बदलाव और अपने अंदर बदलाव की प्रकृति का नेचुरल नेचर से हमारा बहुत संबंध है, पर उस प्रकृति को बिगाड़ने का कारण हम मानव हैं। हमारे जो मेहमान को है वृक्ष है, इसलिए आप सभी एक एक झाड़ एक व्यक्ति एक झाड़ लगाए। शिव भक्तों को मिला परमात्मा शिव का परिचय। मेरठ के ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हरिद्वार से आने वाले शिव भक्त कावड़ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं के लिए झांकियों का आयोजन किया गया। इस झांकी में विभिन्न रूप धरकर नृत्य व नाटकीय प्रस्तुति द्वारा परमात्मा के सत्य परिचय से अवगत कराया गया। दो दिवसीय चली ये यात्रा पल्लवपुरम से आरंभ होकर बेगमपुल घंटाघर मोदी नगर होते हुए 50 किलोमीटर की दूरी तय कर मुराद नगर पहुंची। इस यात्रा में तकरीबन 20 युवा भाइयों ने बाइक, स्कूटी व पैदल यात्रा कर परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया और साथ में शिव और शंकर के महान अंतर को भी स्पष्ट किया। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर असुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? सारणी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश सिंघल ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई घटना के समय हुए अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस मौके पर MPPGCL के मुख्य अभियंता RK गुप्ता, SDOP रोशन जैन, बीके सुनीता, बीके नंद किशोर सहित अन्य कई लोग उपस्थित रहे। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारीज बैतूल द्वारा भाग्य विधाता भवन में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश ने अपना वक्तव्य दिया तो बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने भी अभियान की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक निलय डागा, सारिणी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। और सत्कर्म करते करते हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम ज्यादा काम करेंगे तो दुनिया में स्वर्ग भी आ सकता है। सत्कर्म हम सभी करना चाहते हैं और सत्कर्म ही ऐसी पूंजी होती है जो हमारा वर्तमान भी सुधारती है और वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बनाती है। संस्था के पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दीदी मनमोहिनी जी की पुण्यतिथि पर भरतपुर सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके बबीता ने दीदी मनमोहिनी को सच्ची गोपिका बताया। कि दीदी जी का जो लौकिक नाम था वह गोपिका, और वास्तव में यह कहने में कोई दोराय नहीं होगा कि यही वो सच्ची उस प्रश्न की गोपिका थी जो संसार जगत में कृष्ण की भक्ति करने वाली नौदा भक्तिन थी। दीदी ने अपने स्वभाव संस्कारों को अपनी रॉयलिटी डिग्निटी देह की जो थी, एक तो देह भान था उसमें भी एक्सट्रीम था, लेकिन उसको दीदी ने बाबा की आज्ञा पर बिल्कुल दरकिनारे किया। वहीं वरिष्ठ कवि हरिओम ने काव्य सरिता प्रस्तुत की तो नरेंद्र निर्मल ने भी अपने भाव रखे। मित मेहता के पाठ का दिया सभी को ज्ञान, मनमत का पथ छोड़ कर
भज देना अभिमान पंथ बाबा का सच्चा, इसी पर चलना अच्छा। बाबा का आशीष मिला को आप बनी सुरभित चंदन, दीदी मन मोहिनी आपका करते हैं शत शत वंदन। अलीराजपुर में सोनडवा के शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके नारायण ने बताया कि ईर्ष्या घृणा और नफरत अगर मन में है तो परमात्मा से शांति और प्यार की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने जीव घात को महापाप बताया। कन्याओं को तो ये सिखाया जाता है कि दूसरे घर जाना है, इसीलिए वो निर्माण चित होती, उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी का कभी भी अभिमान नहीं होता है, इसीलिए परमात्मा को कन्याएं बहुत प्यारी लगती है। इस मौके पर ब्लॉक ऑफिसर रामानुज शर्मा, हॉस्टल वार्डन शोभा शर्मा, बीके ज्योति समेत कई लोग उपस्थित रहे। विश्वासों के पंख पखेरू उड़ जाता है जब चाहे जिस ऊंचाई से जुड़ जाता है, हम होकर इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, संकल्पों के साथ जमाना मर जाता है। जबलपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा देवरी जबलपुर में कल्तरु अभियान के अंतर्गत शाश्वत योगी खेती का उद्घाटन और वृक्षारोपण का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता, कृषक राम नारायण बानी समेत कई विशिष्ट लोगों ने पौधारोपण किया। आगे दार्जिलिंग में ब्रह्मा कुमारीज और WWF इंडिया ब्रांच द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसमें बी के सदस्यों के साथ WWF इंडिया के सदस्यों ने मिलकर तकरीबन 2000 पौधे लगाए। इस दौरान WWF इंडिया के कोऑर्डिनेटर दीपेंद्र सुनार ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रकृति का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं बीके राज ने कल्तरु अभियान की जानकारी, सभासद प्रधान समेत कई विशिष्ट लोग इसमें शामिल रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।